आज पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 12.1। देखो इसमें क्या बोला है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। दो भुजा दिया हुआ है तो हम लोगों को त्रिभुज का क्या करना है, तीसरा भुजा ज्ञात करना है। तो परिमाप की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, दिया गया है क्या दिया गया है, त्रिभुज का परिमाप कितना दिया हुआ है, 42 सेंटीमीटर। और त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः कितना कितना है, 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालने के लिए बोला है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोला। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग को कितनी भुजा की आवश्यकता है, 3। यहाँ मौजूद कितना है, 2, और एक भुजा हम लोगों को ज्ञात करना है। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, तीसरा भुजा ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे देखो तीसरा भुजा ज्ञात करने के लिए हम लोग को परिमाप दिया हुआ है त्रिभुज का, इसी की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, तीसरा भुजा ज्ञात करेंगे। चलो लिखते हैं क्या जो दिया हुआ है, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग होता है। तो तीनों भुजा को जोड़, एक भुजा मान ली ए है, दूसरा भुजा बी है और तीसरा भुजा सी मान ली है। अब यहाँ पे देखो त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है कितना है, 42, तो परिमाप की जगह लिख दिए 42। ए का वैल्यू मान लो 18 है और बी का वैल्यू कितना है, 10 है, सी का वैल्यू मालूम नहीं है क्योंकि त्रिभुज का दो भुजा मालूम था, वो दो भुजा को हम लोग यहाँ पे क्या कर चुके हैं, लिख चुके हैं। अब यहाँ पे देखो ये 42 था ना, लिख दिए 42, ये जोड़ है ना, जोड़ दिया 18, 10 कितना होता है 28, और प्लस सी था ना, दे दिए यहाँ पे देखो ये 42 था, दे दिए, ये प्लस में है ना 28, और ये इधर आकर के किस में आ जाएगा, माइनस में, इधर क्या बचेगा सी। अब घटा है ना, घटा दिए, 12 में से 8 गया 4, बचाया कितना 3, 3 में से 2 गया 1, बराबर कितना निकल गया सी। तो सी का वैल्यू कितना प्राप्त हुआ, ए का वैल्यू 18, बी का वैल्यू 10 और सी का वैल्यू 14, तीनों भुजा मालूम हो गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे बच्चा लोग, परिमाप निकालेंगे। एस बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ए का वैल्यू कितना है 18, बी का वैल्यू 10, सी का वैल्यू यहाँ पे निकल चुका है कितना हो गया 14 बटे में 2। जोड़ दूँ फर्स्ट इसमें क्या, 4 0 8, तो 4 और 8 12 12 का 2, हासिल 1 और 1 2 2 1 3 1 4, कितना हो गया 42 बटे में 2। 2 से इसको भाग देंगे कितना आएगा 21, 2 2 4 2 1 2, तो इसीलिए हम लोग को क्या मालूम चल गया, एस मालूम चल गया। अब हम लोगों को क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। हीरोन का फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे यूज करके, क्या करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, लिखेंगे हीरोन सूत्र से। हीरोन सूत्र तो याद हो गया होगा, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस, एस का वैल्यू कितना है यहाँ निकाले हैं 21 है, 21 दे दिए, ब्रैकेट था ना, ब्रैकेट दे दिए, एस, एस का वैल्यू कितना है 21 माइनस ए, ए का वैल्यू कितना है 18 और एस का वैल्यू 21 माइनस बी, बी का वैल्यू 10 और ये कितना एस, एस का वैल्यू कितना है 21 माइनस सी, सी का वैल्यू कितना निकाले हैं हम लोग यहाँ पे 14 निकाले हैं, तो यहाँ पे क्या कर दिए 14 दे दिए। अब यहाँ पे देखो बच्चा लोग इसको क्या करते हैं, 21 है, 21 दे दिए, अब ये ब्रैकेट का काम करते हैं, 21 में 18 घटा दिए कितना हुआ 3, 21 में से 10 घटा दिए कितना हुआ 11 और 21 में से 14 घटा दिए कितना होगा 7 होगा ना, देखना गड़बड़ होगा तो बोलना। चलिए 21 को हम लोग लिख सकते हैं ना, 3 × 7 तोड़ सकते हैं, ये 3 है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ये और नहीं टूटेगा, ये भी और नहीं टूटेगा, ये भी और नहीं टूटेगा। अब यहाँ पे देखो डबल 3 है ना, 1 3 बाहर, डबल 7 है ना,
एक साथ बाहर, एक बाबू अकेले रह गया, तो रहो इसी में। क्योंकि डबल रहता तब क्या होता, स्क्वायर होता, स्क्वायर रूट को काट करके बाहर आ जाता, लेकिन ये अकेले है रूट में ही रहेगा। सात को तीन से गुना कर दे, सात किया 21, रूट में कितना 11, डिजिट क्या हम लोग का सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल निकालने क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो लिखेंगे आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकल गया, 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर।